इस ब्रह्मांड में हम सब मुसाफिर हैं। अनंत में स्वयं की खोज, ज्ञान के शिखर पर साधनाओं की खोज, हमारा चंचल मन सूक्ष्म से गूढ़ और गूढ़ से सूक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है, तो फिर कहां मिलेगा सुख, कहां जागृत होगी चेतना? आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य हैं, या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सूक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है? मगर जीवन तो क्षणभंगुर है। सांसारिक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धन दौलत सब यही रह जाने हैं। आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझकर ध्यान और चेतना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे? अनुभूतियों की गहराइयों में शांति के सूत्र खोजकर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे? वो वक्त आ गया है, आज और अभी। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहिब ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था। बचपन के धार्मिक संस्कारों ने युवावस्था तक आते आते आप श्री को जैन धर्म में ध्यान के गूढ़ रहस्यों की खोज के लिए प्रवृत्त किया। आप श्री के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए। मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? भगवान महावीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरलतम मार्ग कौन सा है जिस पर चलकर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने के लिए 17 मई 1972 को आप श्री ने जैन भगवती दीक्षा अंगीकार की। इसके बाद भी ध्यान के सरलतम मार्ग की खोज का सिलसिला जारी रहा। 1978 में गुरु आज्ञा पाकर आप श्री भगवान महावीर के बताए ध्यान साधना पथ की खोज में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत भ्रमण में आप श्री ने ध्यान विधियों को खुद परखा और कई नए प्रयोग किए, और आखिरकार आत्म ध्यान की साधना एवं भगवान महावीर की साधना की तलाश पूरी हुई। प्यारी गुरुवाणी है। जड़ और जीव का भेद, दो तत्व जड़ और जीव जो एक है, इनका भेद कर, यानी जड़ जीव का भेद, देह अलग है, आत्मा अलग है। यहाँ भेद चलता है वहाँ आत्म तो ध्यान नहीं होता, वहाँ इच्छा नहीं रहती, वहाँ आवश्यकता नहीं रहती, किंतु परंतु मेरा तेरा किसी से कोई वास्ता नहीं रहता। जब उदय कर्म स्वीकारे जाते हैं, उदय कर्म आता है जब आपने भेद कर दिया, जीव अपने में स्थित रह गया, कर्म जड़ पर आ गए और आप देखते हैं तो सारे भेद धीरे धीरे मिट जाते हैं। कोई देहधारी आपके सामने आता है तो उसको जीव तत्व जान करके, उसमें भी जीव, मेरे में भी जीव, उसमें भी जीव, और जीव देखना, अभेद, भेद से अभेद आना, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, किसी से कोई राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सब में अपने समान जीव देखने लगे। निंदा नहीं की जाती, किसी का अपमान नहीं किया जाता, किसी का तिरस्कार नहीं किया जाता, कर्म बंधन नहीं बनते, ये आत्मन अनमारे है। अपने को समझना कि मैं कौन, मैं मात्र जीव हूँ, अपने को जानकर समझ करके अपने में स्थिर रह जाएगा स्वयं अनुभव। यदि अब भी समय को देह मान रहे हो कि मैं देह हूँ, देह का मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा ये नाम, ये पद, ये लिंग, ये जाति, ये कुल, ये परंपरा, मैं उस परिवार का हूँ, मैं उस संघ का हूँ, उस समाज का हूँ, तो स्थिरता संभव नहीं है। मन शांत हो नहीं सकता, जीव स्वयं में उतर नहीं सकता, सुख का अनुभव कर नहीं सकता। जब जीव पर श्रद्धा आती है अस्तित्व पर, तो वास्तव में पुद्गल पुद्गल दिखाई देते हैं, वहाँ जीव स्वयं में उतर जाता है। आप जीवात्मा हैं, आप जीवात्मा हैं, आप देख रहे हैं, अनुभव पर कर रहे हैं कि विचार मन पर पड़े, विचार कैसे आकर के निकल रहे हैं, अपने ध्यान की धारा खंडित करते हैं आत्मा। ध्यान में भूतकाल में कैसे विचार आए, इंद्रियों के माध्यम से
जो कुछ भीतर गया, विचार मन में पड़ गए, संस्कार पड़ गए, वो संस्कार हमें मन के जो एक जन्मकुनी जन्मों जन्मों के संस्कार जो मन में पड़ गए वो ही बार 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 देखो। इसलिए वर्तमान में समय को अकेला कर लो, किसी की ओर मत देखो, नए विचारों को आने मत दो। ध्यान मात्र बंद आंखों से परिणाम नहीं देखा, खुली आंखों से भी वही देखना है। किसी भी देहधारी में वही आत्मा देखनी है, वही जानना है। जो साधक स्वयं को अकेला कर देंगे कि मैं अकेला, सबके अकेला और एकांत, तीन बातें बहुत महत्व की है। चाहे आप कक्ष में हैं, चाहे आप अकेला है, जो परिचित का संग करते हैं, अन्य किसी साधक को ध्यान रखेंगे, वो किसी क्रियाओं की ओर ध्यान रखेंगे। कभी आपने अपने को देखा, अपने वस्त्रों को देखा, किसी के वस्त्रों को देखा, किसी के विचारों की ओर गए, विचारों की उत्पत्ति और देखा, वही विचार ध्यान में बाधा बनेंगे। यदि सुखी होना है, सुख का अनुभव करना है, तो सुख का अनुभव करो अनिवार्य। अकेले हो जाओ और एकांत का चयन और मौन को महत्व दो। जितना आप मौन का पालन करोगे, आपके मन में कोई विचार उठे मौन हो जाए, आप भोजन करने जाओ, भोजन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, जो भोजन जैसा मिले अकेले ही होकर के भोजन करना। जब आप सैर भी कर रहे हो, एकांत में जाकर के कर लो, एकत्व एकांत और मौन। सभी तीर्थंकर भगवान घर बार छोड़ करके वो अकेले ही निकल गए, एकांत में गए, मौन को साधा और अपने ही जीव में स्थिर होकर के जीव के भीतर अपनी इस काया का उपयोग किया। काया को एक प्रयोगशाला बनाया, कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे कैसे कर्मोदय आते हैं, कैसे कैसे वो कष्ट लेते हैं, कैसे कैसे अभिग्रह धारण करते हैं और कैसे कैसे कष्ट आते हैं, और भेद करते हुए जड़ जीव का भेद जितना गहरा होगा उतनी आपकी साधना बढ़ती चली जाए। अनिवार्य है अकेले हो जाओ, जड़ जीव का विस्तार को देखो। ध्यान की क्रिया में नहीं, खुले समय में भी, भोजन करते, विश्राम करते, चलते, उठते, बैठते, प्रत्येक क्रिया में जड़ में जीव के विस्तार को देखो। जीव है तो जड़ है, यदि जीव नहीं है तो शरीर टिक नहीं सकता, शरीर रह नहीं सकता, तुम हो ही नहीं सकते। दोनों में भेद बनाए रखो। देह को साधा पहुंचाने के समस्त यत्न बुसरा दीजिए, आत्मा में सुख का अनुभव। यदि आप साधा को ध्यान दोगे, साधा का मतलब है आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखा चला दिया, साधा मिल गई, ये सुख नहीं। आपको भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, ये सुख नहीं। आपके मन की इच्छा हुई, आप मन की इच्छा की पूर्ति के लिए चले गए, मन घुमा रहा है, वो सुख नहीं है, वो साता है। साता ढूंढोगे तो सुख मिलेगा ही नहीं आपको, साता भारी हो जाएगी। साता और सुख अलग, साता मन का विषय है, इंद्रियों का विषय है, बुद्धि का विषय है, और सुख आत्मा का विषय। सुख अनायास जैसे आप ध्यान करोगे, ध्यान करते 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 आपका मन शांत होने लगेगा, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आने लगेगी और वो सुख आपके भीतर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सारा ध्यान अपने पर केंद्रित करना है कि कोई एक पुद्गल, चाहे शरीर का बना ये पुद्गल या दूसरे का बना, या जहाँ आप रह रहे हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान जो कुछ भी है, जीव के सिवाय पूरे ब्रह्मांड में सब पुद्गल से भरा है। पुद्गल भी ठस ठस भरे हैं और जीव भी, जीव अकेला, पुद्गल अलग, पुद्गल से अलग कर दो अपने आप को और उसमें लीन हो जाओ। जीव में अष्ट गुणों की संपदा है, बार बार आप सुनते हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास है, सुख आपके पास है, शक्ति आपके पास है। अमूर्त बना जीव दिखाई नहीं देता, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, है ही नहीं कुछ। जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, वो जीव तुम हो, वो जीव मैं हूँ, पर सबसे शक्तिशाली जीव है। सब में सुख जीव में भरा है, ज्ञान जीव में है, शक्ति जीव में, सब कुछ जीव में है। मुख्यता जीव को दो, साधा को महत्व न दो। अनंत से दो गए, अनंत हो गए, कैसे हो गए? वो जड़ को महत्व नहीं दिया, पुद्गल के पार जाकर के सिद्ध हुए। सुख का अनुभव जीव में उतर कर होगा, हो रहा है, आप जीव आत्मा हैं। यह समय जीव का है, कठिन लगे फिर भी यत्न करना, कठिनाई होगी जी ध्यान करते हैं, ये बहुत प्रयोगशाला का प्रयोग है। आपके मन के विचार निकल के आते हैं, आपकी बुद्धि को माती है, मन ही चक्कर ले जाता है, क्या करो, इतनी देर बैठी होगी, अभी समय पास नहीं हो रहा, मन को माता है। इसलिए मन को महत्व दे, जितना भेद कर सको, जड़ में जीव के विस्तार को देखना, जहाँ जितना भेद कर पाओ करते चले जाना,
अभी प्रारंभ में भेद एक क्रिया है, जैसे जैसे आप करते रहे पर सहज हो जाएगी। फिर आप ध्यान में बैठोगे, चाहे आप विश्राम करोगे, चाहे आप कौशल में होंगे, चाहे आप योग निद्रा करोगे, चाहे रात्रि विश्राम करोगे, दो तत्व भेद करते रहना। जड़ अलग है, जीव अलग है, जीव भीतर है, आकार में निराकार आत्मा। मित रख पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ, मित पर आगे बढ़ोगे तो आपका मंगल होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। तीन चार बातें बहुत ज़रूरी है इस साधना यज्ञ में। ये ध्यान क्या है? ध्यान पुद्गल का नहीं है, ध्यान किसी व्यक्ति, वस्तु, मंत्र, तंत्र, यंत्र, पूजा, पाठ, कोई लोगस का पाठ, मोहतरम का पाठ, भक्तांबर का पाठ, कुछ नहीं करना। केवल अरिहंतों सिद्धों को भी याद नहीं करना, केवल सब कुछ छोड़ करके इस जड़ और जीव का फिर ये काया मिली मुझे, 3.5 हाथ की काया, हाड़ मांस रक्त ये का पिंजरा, इसमें जो आकार है, आकार में जो निराकार है, निराकार अष्ट गुणों की संपदा है, वो मैं हूँ। आकार को बसराते चले जाओ, निराकार में स्थित होते चले जाओ। फिर इस कैसे करोगे? एकांत मौन शांत में रहना, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, ऐसी अवस्था जो मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार हो, वो निर्विकल्प निर्विचार अवस्था लाने का प्रयास करना। और ठहर जाना, जितना समय जीव जीव में ठहरेगा वो क्षण निर्जला के होंगे, क्षय के होंगे, अपने होंगे, वो मुक्ति का फासला कम होगा। बस जीव का जीव में श्रद्धा करना, प्रीति करना, रुचि करना, और जीव जीव में उतर जाए, उतर करके ठहर जाए। कितना समय आप ठहर पाते, फिर मन कहीं ना कहीं ले जाएगा, फिर वापस लाओ, फिर उपयोग करो, फिर ले जाएगा, फिर उपयोग करो। बार 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 उपयोग करना, और ये खुली आँखों से नहीं, बंद आँखों से नहीं, खुली आँखों से प्रयोग करना। कुछ भी करो, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते करते रहो, खूब करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये एक युद्ध है, ये एक भीतर का समकत और मिथ्यात्व की धारा है, और समकत पोषण करते रहो। जीव का जीव में महत्व दो, भगवान की वाणी समकत का पोषण करती है और मिथ्यात्व को दूर करती है। मिथ्यात्व और समकत को, समकत को महत्व दो, मिथ्यात्व को तोड़ते चले जाओ। एक दिन आप निश्चित 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 विजय होंगे। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 जीवात्मा हो, मात्र मात्र जीवात्मा, आकार में निराकार आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है, इस आकार में निराकार आत्मा वो तुम। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर में जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। जड़ की पकड़ को छोड़ के जीव अपने आप में आ जाए। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, अपने में समाहित हो जाएं, अपने में स्थित हो जाएं। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे
कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों पर आंखों पर ले जाए, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उच्छाय नंग, नमो लोय सब सावनंग। धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तमो, देवावित्तंग नमंग संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरण